अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं ये 5 मरला घर बैरिया टाउन लाहौर में। ये लोकेटेड है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत स्पेनिश एलिवेशन है इसका। ये आप इसका स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, 12 ब्लॉक है और बड़े रोड पे, मेन रोड पे ये मौजूद है। मैकडोनल्ड पार्क और मस्जिद इसके बिल्कुल करीब है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये लेफ्ट साइड पर आपको ये क्रॉस विंडो नज़र आ रही है, ये इसमें ग्लास यूज़ किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की तरफ ओपन हो रही है, नीचे ये ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम की तरफ ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत जो है इसका एलिवेशन बनाया गया है। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर आप देख सकते हैं, इसका ब्लैक और गोल्डन कलर में इसे पेंट किया गया, आयरन मेटल में जो है ये तैयार किया गया। ये इसकी टेरेस स्पेस है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत जो है इसका टेरेस डिज़ाइन है। ये इसके फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई, आप देख सकते हैं, मोज़ेक वर्क हुआ है इसमें और बड़ी खूबसूरत इसकी जो है फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है। ये इसका आउटर लॉन है, ये इसका रैंप है, रैंप और पोर्च में सेम कलर और सेम डिज़ाइन की 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पोर्च है, ये पोर्च में आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये वॉल डिज़ाइन की गया, प्रॉपर टाइल वर्क हुआ है इसमें, ये आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है, ये कंप्लीट जो है वॉल के ऊपर टाइल वर्क हुआ है, मोज़ेक वर्क हुआ है, फ्रेम शेप में आप देख सकते हैं, वुडन वर्क हुआ है इसमें, आयत लिखी गई है, बड़ा खूबसूरत ये व्यू दे रही है। ये बिल्कुल फ्रंट पे इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया है, सॉलिड वुड में इस घर के तमाम डोर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं, मिरर इसमें यूज़ किया गया। और ये राइट साइड पे आपको डोर नज़र आ रहा है, ये अंदर से स्टेयर्स के सामने आएगा, यानी कि डबल यूनिट घर है, ऊपर वाला पोर्शन आप प्रॉपर सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका, ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। और ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पे इसका ओपन एरिया है, वाटर यूनिट दिया गया है यहाँ पे, वाटर पॉइंट दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये वॉल डिज़ाइन की गया, ग्रास यहाँ पे यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पे यूज़ किया गया है, टाइल वर्क हुआ है इसमें। ये क्रॉस विंडो दी गई है जो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू दे रही है। ये ऊपर ये इसके बेडरूम की तरफ ओपन होगी अंदर से, और नीचे ये ड्राइंग रूम की तरफ ओपन होगी इस तरह ये। और आप देख सकते हैं, ये रोमन पिलर ये डिज़ाइन किए गए हैं इसके फ्रंट एलिवेशन में। ये इसकी टेरेस स्पेस है, ये इसके पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन है, ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है, आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है वॉल पे, ये ड्राइंग रूम के डोर से हम एंटर होंगे। ये ड्राइंग रूम के डोर का डिज़ाइन सेम मेन डोर के डिज़ाइन जैसा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइडर लुक दे रहा है ये। आप देख सकते हैं, इसमें ग्लोब वॉलपेपर यूज़ किया गया है, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, ये फ्रेम शेप में मिरर यूज़ किया गया यहाँ पे, वुडन वर्क हुआ है और फायर प्लेस दी गई है, बड़ा खूबसूरत ये व्यू दे रहा है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है ड्राइंग रूम का, फैन इसमें इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं, सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं, वुडन डिज़ाइन में 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, ये बाहर से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो गया इस तरह। ये हमारे बिल्कुल सामने इसका लिविंग एरिया है, ये ड्राइंग रूम को आप लिविंग एरिया से सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे कर्टन लगा के इस तरह। बड़ा खूबसूरत जो है इस घर को डिज़ाइन किया गया, ये इसका लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत इसका व्यू है लिविंग एरिया का। ये नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल यूज़ की गई, इसमें वाइट कलर की, ग्रे कलर की से इसमें डिज़ाइनिंग है। और ये लिविंग एरिया में मीडिया वॉल दी गई है, आर्टिफिशियल प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल है खूबसूरती के लिए, वुडन वर्क हुआ है इसमें, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है,
ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है, यूनिक और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। मिरर इसमें इंस्टॉल है। ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉलपेपर यूज़ किया गया इसमें। ये लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं, ये बेडरूम का डोर है, साथ ये किचन का डोर है और ये स्टेयर्स के नीचे ये पाउडर रूम दिया गया है। ये स्टेयर्स के साथ ही वॉल को डिज़ाइन किया गया, मिरर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए। ये इसका मेन डोर है, ये इसके पोर्च की तरफ ओपन हो रहा है और साथ ही स्टेयर्स के सामने आ रहा है डोर। यहाँ पे आप पार्टीशन करके ऊपर वाला पोर्शन जो है ना प्रॉपर सेपरेट कर सकते हैं इस तरह। तो पहले हम ये बेडरूम इसका विजिट कर लेते हैं। ये इसका व्यू है लिविंग एरिया का दूसरी तरफ से, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। ये हम बेडरूम विजिट कर लेते हैं इसका। नीचे एक बेडरूम है, ऊपर दो है इस तरह। ये आप देख सकते हैं ये इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है बड़ी खूबसूरत, कोशिश किया गया इसे मिरर वर्क, मिरर यूज़ किया गया है, वुडन वर्क हुआ है इसमें। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, वाइट कलर में इसे पेंट किया गया, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है। इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी और ये एलईडी पॉइंट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ये इसमें कवर्ड स्पेस दी गई है और बड़ा ही खूबसूरत इसका कलर कम्बिनेशन बन रहा है टाइल के साथ और पेंट के साथ। ये शीट जो यूज़ की गई है इसमें कवर्ड में, ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये नीचे ग्राउंड से ऊपर शायद तक ये टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, मिरर, सिंक, कमोड, शावर सेट इसमें इंस्टॉल है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ बिल्कुल ये किचन का डोर है, ये हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड पे कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग है इसमें, बहुत ही खूबसूरत और शानदार इसका व्यू है किचन का। काफी वाइडर कवर स्पेस दी गई इसमें, वुड बर्नर, सिंक, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई, इसकी बैक गले की तरफ ओपन होगी। आप देख सकते हैं घर में जो तमाम डोर है सॉलिड वुड में तैयार किए गए हैं वो। ये डबल डोर दिया गया किचन में। ये इसकी बैक गली है, ये विंडो दी गई है, ये बेडरूम की विंडो अभी जो हमने विजिट की है। ये वाटर पॉइंट दिया गया है, ये इस किचन का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स के साथ ये पाउडर रूम दिया गया और इसे प्रॉपर जो है इसके स्पेस को मैनेज किया गया। सिंक, इंडियन सीट वगैरह इसमें स्टोर है, प्रॉपर टाइल वर्क हुआ है इसमें। ये इसके डोर का डिज़ाइन है। ये ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। लिविंग एरिया के साथ ये एक बेडरूम दिया गया है, साथ ये किचन का डोर है इस तरह। और ये इसका ड्राइंग रूम है, ये इस हॉल का व्यू है। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टील स्टेयर्स में यूज की गई और ये स्टेयर्स के साथ वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेम शेप में ये मिरर यूज किया गया है। इसके ऊपर वुडन वर्क हुआ है, इसमें लाइट्स दी गई हैं और ये स्टेप के साथ लाइट्स दी गई हैं खूबसूरती के लिए।
ये हम ऊपर आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर में बड़ा ही खूबसूरत और शानदार इसका व्यू है। ये हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है और आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, शानदार सीलिंग डिज़ाइन है इसका, शैंडल इसमें यूज़ किए गए हैं, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं ये वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेम शेप में यहाँ पे मिरर यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ इसमें, वॉल पेपर यूज़ किया गया, उसमें लाइट्स दी गई हैं। ये हमारी राइट साइड पे ये बेडरूम दिया गया एक, और ये किचन स्पेस है इस तरह ही, और ये लेफ्ट साइड पे ये सेकंड बेडरूम है और साथ ये टेरेस का डोर है। तो पहले हम ये इसके राइट साइड विजिट कर लेते हैं। ये स्टेयर्स से अभी हम ऊपर आए हैं, इसके साथ ये बेडरूम का डोर है। ये आप देख सकते हैं ये इसके बेडरूम का व्यू है, बड़ा खूबसूरत जो है, बड़ी खूबसूरत इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, मिरर इसमें यूज़ किया गया है, कोशिश किया गया इसे, वुडन वर्क हुआ है, लाइट्स दी गई हैं, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, वॉल पेपर यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट यूज़ किए गए इसे खूबसूरत बनाने के लिए। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। फैन इसमें इंस्टॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है। ये आप देख सकते हैं ये इसकी मीडिया वॉल दी गई है, सिंपल और खूबसूरत जो है आप देख सकते हैं इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, और ये इसका वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में ये वॉशरूम बनाया गया, बड़ा खूबसूरत जो है कलर है इसमें टाइल का, ये ग्रे कलर की टाइल में डिजाइनिंग है, वाइट कलर की टाइल यूज़ की गई है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये बाथ टब इसमें यूज़ किया गया है, शावर सेट, कमोड, सिंक, इलेक्ट्रिक मिरर इसमें इंस्टॉल है। ये बाथ टब अमूमन 10 मरला और कैनाल की घर में इस तरह जो है वॉशरूम डिजाइन किए जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है इसका। आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है इसका, और बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया इसे। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ बिल्कुल ये किचन स्पेस दी गई है। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड पे वुडन डिजाइन में ये टाइल यूज की गई है, और ये ग्रे कलर में शीट यूज़ की गई है इसमें, बर्नर हुड, सिंक वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। ये आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, ये ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो गई है। ये इसके किचन का व्यू है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, ये राइट साइड हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये बेडरूम दिया गया और साथ ही किचन स्पेस है। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, और लेफ्ट साइड पे ये बेडरूम दिया गया, साथ ये टेरेस का डोर है। ये सेकंड बेडरूम हम ऊपर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट पे ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है, और ये सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी। इस विंडो से आप स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं, और ये क्रॉस विंडो दी गई है नीचे ड्राइंग रूम से, जैसा कि हमने पहले अभी विजिट किया है। नीचे ये ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक ये क्रॉस विंडो दी गई है, सामने फ्रंट एलिवेशन से बड़ा खूबसूरत व्यू है इसका। ये इसकी बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन इसमें इंस्टॉल है। और ये आप देख सकते हैं बेड साइड वॉल के बिल्कुल सामने ये एलईडी पॉइंट दिया गया, और ये इसका वॉशरूम है। आप देख सकते हैं ये वॉशरूम के स्पेस को बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया गया, ये कबर्ड दी गई है वॉशरूम से पहले, और ये कबर्ड के सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्रेसिंग दिया गया, और ये ड्रेसिंग आप देख सकते हैं ये वॉल में इंस्टॉल है इस तरह। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक टाइल यूज की गई, डिफरेंट कलर की कॉम्बिनेशन में। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ये इसकी छत की तरफ ओपन होगी, मिरर, सिंक, शावर सेट,
कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है। इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। ये अभी हम इसका टेरेस विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका टेरेस डिज़ाइन है, बड़े खूबसूरती से इसके टेरेस को डिज़ाइन किया गया है। ये टेरेस जो है फ्रंट से कवर्ड किया गया, सामने से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रहा है और बड़ा खूबसूरत व्यू है इसका। ये आप देख सकते हैं ये सिटिंग बेंच दिया गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये टाइल वर्क होगा, आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स के साथ राइट साइड पे ये बेडरूम है, किचन है, ये इसका लिविंग एरिया, और लेफ्ट साइड पे ये सेकंड बेडरूम दिया गया, और ये इसका टेरेस स्पेस है, और ये इसके टेरेस का डोर है। अभी हम इसके छत और मल्टी विजिट कर लेते हैं। ये ऊपर दो बेडरूम है, नीचे एक बेडरूम है इस तरह। ये आप देख सकते हैं ये स्टील स्टेयर्स में यूज़ की गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये इसकी ममटी का सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। ये इसमें और वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इसमें, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है सर्वेंट रूम स्पेस दी गई है ममटी में। नीचे ये टाइल वर्क हुआ है, 2x4 की टाइल यूज़ की गई है, और ये छत पे आप देख सकते हैं मार्बल यूज़ किया गया, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर ड्वेल ब्लॉक है ये। ये सामने आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, कमर्शियल मार्केट इसके बिल्कुल करीब है, पार्क, मस्जिद। इस घर की डिमांड 265 इसकी डिमांड कर रहे हैं, प्राइस इसकी नेगोशिएबल है। तो जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।